क्या धोनी की नहीं है टीम इंडिया में अब जरूरत? क्या धोनी को टीम इंडिया भुला चुकी है? क्यों अब टीम इंडिया को नहीं चाहिए धोनी? अब भारतीय टीम को मिल गया है नया धोनी। ये वाला धोनी विकेट के आगे हिट है, ये वाला धोनी विकेट के पीछे भी सुपर हिट है। न्यूजीलैंड दौरे में केएल राहुल का शानदार फॉर्म जारी है। राहुल T20 सीरीज में तो धमाल मचा ही रहे थे, उन्होंने अब वनडे में भी कमाल किया है। हैमिल्टन में खेले पहले वनडे में राहुल ने 64 गेंदों में 3 चौके और 6 छक्के की मदद से नाबाद 88 रन की पारी खेली। ये राहुल की पारी का ही कमाल था जो भारतीय टीम 300 के पार आसानी से पहुंच गई। लंबा अरसा हो गया था भारतीय टीम में एक ऐसा फिनिशर आए जो भारत के लिए निचले क्रम में अपने बल्ले से धमाल मचा सके, लेकिन अब राहुल ने इस काम को आसान कर दिया है। राहुल अब भारत के लिए नए फिनिशर बन गए हैं। वो किसी भी नंबर पर टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से टीम इंडिया एक ऐसे फिनिशर की तलाश में थी जो आखिरी के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सके और जब मामला फंसता नजर आए तो वो धैर्य से विकेट पर टिकने का कारनामा भी कर सके। ऐसे में राहुल ने इस गुत्थी को सुलझाया और नंबर 5 पर टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया। इससे पहले धोनी टीम इंडिया के लिए काम किया करते थे, लेकिन अब राहुल ने वो काम करने का जिम्मा उठाया है। अगर देखें तो राहुल ने पहले वनडे मैच में नाबाद 88 रन बनाए। नंबर 5 पर ये पारी काफी शानदार रहती है क्योंकि इस समय तेजी से रन बनाने की जरूरत थी और राहुल ने लंबे लंबे 6 छक्के लगाकर सबको बताया कि वो निचले क्रम में पावरफुल हिटिंग कर सकते हैं। साफ है कि राहुल धोनी की जगह को भरने में लगे हैं, वहीं ऋषभ पंत की जगह भी अब खोती नजर आ रही है। राहुल ने नंबर 5 के बल्लेबाज और विकेट कीपर के रूप में अपनी जगह मजबूत कर ली है। वो खुद भी इस नंबर पर बैटिंग करने को एंजॉय करते हैं। वहीं धोनी इस समय टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर है, वो मैदान में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी वापसी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रहती है। अगर राहुल टीम इंडिया में विकेट कीपर की भूमिका में फिट बैठ जाते हैं तो धोनी की वापसी मुश्किल हो सकती है।